नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमन आर्या। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गेस्ट पोस्ट के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उनको ईमेल करोगे गेस्ट पोस्ट के लिए। मैं आपको कुछ ईमेल का टेम्पलेट भी दूंगा। तो ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को जरूर देख लेना, देख सकते हो लिंक बिल्डिंग टिप्स, ये वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बैकलिंक जो आप बनाते हो उस समय आपको अपने एंकर टेक्स्ट को किस प्रकार यूज करना है। उसका दोस्तों आप इस वीडियो को भी देख सकते हो कि वेब 2.0 क्या है और ये कैसे आपको मदद करेगा अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाने में। इससे आप अपने आर्टिकल को भी रैंक करवा सकते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। तो ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत काम की हैं, तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि आपको गेस्ट पोस्ट से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, गेस्ट पोस्ट जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है कि आपको वहाँ से बैकलिंक मिलेगा, दूसरा आपको वहाँ से ट्रैफिक मिलेगा, तीसरा आपका ब्रांडिंग होगा। मतलब आप जाकर किसी की वेबसाइट पर गेस्ट पोस्ट लिख रहे हो तो वहाँ पर जो लोग आएंगे वो आपके बारे में भी जानेंगे, आपके वेबसाइट के बारे में जानेंगे, तो आप एक तरह से अपने वेबसाइट का प्रमोशन कर रहे हो। उसके बाद हमारा जो लास्ट जो वहाँ से बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपका वेबसाइट का डीए भी इससे इंक्रीज होगा, क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि वेबसाइट के लिए बैकलिंक कितना ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन अगर आप बैकलिंक सिर्फ मतलब प्रोफाइल बैकलिंक बना रहे हो या फिर कहीं अदर जाके कमेंट बैकलिंक बना रहे हो तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है जितना ज़्यादा आपको किसी वेबसाइट के थ्रू जो बैकलिंक मिलता है वो मदद करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका वेबसाइट है शायरी के ऊपर। आप क्या किए कि आपने एक आर्टिकल लिखा शायरी पर। अब अगर आपको उस आर्टिकल पर सिमिलर वेबसाइट से मतलब शायरी वाले ही वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो आप समझ सकते हो वो कितना फ़ायदा होगा। तो गेस्ट पोस्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको जो है सिमिलर टाइप के वेबसाइट से बैकलिंक मिल जाता है और उससे आपकी रैंकिंग भी काफ़ी हद तक जो है इंक्रीज होती है। तो गेस्ट पोस्ट के लिए किसी वेबसाइट को रीच करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने वेबसाइट को देखना है कि आपके वेबसाइट का डीए कितना है। आपको अपने से सिमिलर ही वेबसाइट को सर्च करना है, मतलब अगर आपका डीए मान लेते हैं 10 है तो आपको रीच करना है 10 से 20 वाले वेबसाइट को, मतलब जिनका डीए जो है वो 10 से 20 के बीच है उनको आपको रीच करना है। क्योंकि अगर आप हायर वेबसाइट पर जाते हो जिनका डीए काफ़ी ज़्यादा है और उस वेबसाइट पर जाकर अगर आप रीच करते हो तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ पर आपको गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अपने लेवल के वेबसाइट को सर्च करना है और वहाँ सर्च करने के बाद उनको आपको ईमेल करना है गेस्ट पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है और गूगल क्रोम ब्राउज़र को ही यूज़ करना है आपको, और इसमें आपको एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है मोज़बार, और ये एक्सटेंशन शायद आप पहले से भी यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ये पहला लिंक मिल जाएगा, इसमें जाना है और जाने के बाद आपको ये मिल जाएगा मोज़बार, आपको इसको क्रोम में ऐड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए रिमूव आ रहा है। आपको करना ये है कि मोज़बार में आपको यहाँ जाना है, जैसे ही आप ये देखोगे आपका जब एक्सटेंशन इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पर आईडी क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। आपको एक फ्री में आईडी क्रिएट कर लेना है मोज़ में। जो आप फ्री में आईडी क्रिएट करोगे तो उसके बाद आपको इस तरह का शो होने लगेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो गेस्ट पोस्ट के लिए तो आपको पहले ही उसका डीए पीए ये सब दिख जाएगा। अब आपको सर्च कैसे करना है, तो सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट कैसे आप सर्च करोगे। देखो, सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले कोर्स में आपको अपना कीवर्ड लिखना है। जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूँ हिंदी शायरी, उसके बाद आपको प्लस लिखना है। यहाँ पर आप जो है अलग अलग टाइप का वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि राइट फॉर अस। जब आप ये सर्च करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा। जैसे एक वेबसाइट है mehfilshayari.in, यहाँ पर राइट फॉर अस है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका डीए 17 है, तो आप इस तरह के वेबसाइट को आप रीच कर सकते हो अगर आपका शायरी का वेबसाइट है। उसके बाद आप देख सकते हो ये वेबसाइट है लव सब, तो यहाँ पर आपको उन वेबसाइट को ओपन करना है जिस वेबसाइट में आपको गेस्ट पोस्ट लिखने का ऑप्शन आएगा। देखिए गेस्ट पोस्ट फॉर, तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट को भी ओपन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है कुछ अलग ढंग का कुछ और सर्च कर सकते हो। जैसे आपने अभी सर्च किया था राइट फॉर अस, फिर आप यहाँ सर्च कर सकते हो अपना कीवर्ड प्लस गेस्ट पोस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक और वेबसाइट आके आप देख सकते हो इसका डीए 5 है, तो अगर आपको इस वेबसाइट चाहिए तो आप इस वेबसाइट को भी ओपन कर सकते हो। उसी प्रकार देखो एक ये है गेस्ट पोस्ट के लिए डीए 11 है, आपको इसको ओपन कर लेना है। फिर देखो द सेरो शायरी.com, इसका डीए 7 है,
आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको अलग अलग जो है कीवर्ड पर, जो भी कीवर्ड आपका है, जैसे मान लेते हैं आपका कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग प्लस गेस्ट पोस्ट आप लिखोगे, ठीक है, या फिर राइट फॉर अस लिखोगे। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस तरह से आपको करना यह है कि आपको अपना कीवर्ड प्लस गेस्ट पोस्ट, फिर सबमिट योर आर्टिकल राइट फॉर अस, तो इस तरह का वर्ड यूज करके सर्च करना है। तो यहाँ पर देखो, अब करना ये है कि आपको जैसे ये वेबसाइट पर आए, अब यहाँ पर देखिए ये रिक्वायरमेंट इसका पढ़ लेना है कि इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या है। उसके बाद फिर आपको जैसे 1000 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, एक दो इमेजेस यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से आपको इसका ईमेल एड्रेस मिला, ठीक है, ईमेल एड्रेस मिल गया। हो सकता है किसी में ईमेल एड्रेस ना मिले, आपको डायरेक्ट जो है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए कि आप यहाँ सबमिट करो। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट क्या आ गया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया है। तो आपको करना यह है कि आपको एक एक्सेल पर जो है, एक एक्सेल पर आपको एक शीट तैयार कर लेना है। तो इस तरह का आपको एक शीट तैयार कर लेना है। अगर आप ये शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको करना यह है कि आप सीरियल नंबर दे सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि 1 यहाँ दे दिया मैंने। उसका फिर आपको यहाँ पर जो है गेस्ट पोस्ट का URL देना है। जैसे आप देखो कि ये वेबसाइट है, तो मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट का मैं लिंक कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर उसका कोई ईमेल एड्रेस अगर आपको मिलता है तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ कॉपी कर सकते हो। अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप URL से ही उसको मतलब देख लोगे। तो जैसे ये ईमेल एड्रेस इस वेबसाइट में था, आपने देखा था, जैसे ये है, तो ईमेल एड्रेस मैं इसको कॉपी कर लूँगा, फिर यहाँ जाकर मैं इसको ईमेल एड्रेस पेस्ट करूँगा। टॉपिक जैसे आपका क्या है, देखिए टॉपिक जो है वो आपका हो गया है कि टॉपिक जैसे आप यहाँ शायरी पर लिखना है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो हिंदी शायरी, या फिर इसमें आप देख लो कि इसने किस किस टॉपिक पर ये आपसे मांग रहा है। आप ये भी देख सकते हो किस किस मतलब टॉपिक पर ये आर्टिकल जो है रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हिंदी शायरी ही लिख लेना है। इसी तरह से आपको काफ़ी सारे वेबसाइट को फाइंड कर लेना है। उसके बाद अब आपको करना ये है कि आपको उनसे कॉन्टेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे देखो इसका ईमेल एड्रेस आपको मिल गया। किसी का हो सकता है आपको ईमेल एड्रेस ना मिले, ये फॉर्म मिल जाए, तो आपको लिखना कैसे है। आप देखिए, आपको ये टेम्पलेट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इस टेम्पलेट को भी डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर मैं 3 टेम्पलेट दे रहा हूँ, आप यहाँ देखो 1 2 3, किसी भी टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो हाय, फिर नेम लिखना है उनका, अगर नेम आपको पता है तो, उसके बाद आपको अपना नेम, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कुछ जो भी लिखा हुआ है, फिर उसका वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पर जो भी देख रहे हो ब्रैकेट में उसको आपको चेंज कर लेना है। फिर आपको कोई भी 3 टॉपिक देना है उनको कि मैं इन टॉपिक पर आपके लिए आर्टिकल लिख दूंगा, ठीक है, 3 टॉपिक बताना है। उसके बाद फिर आपको अपने वेबसाइट का कोई एक अच्छा सा जो आपने पोस्ट लिखा हुआ है उसका लिंक उनको देना है। आप 1 भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, देने के बाद ताकि वो देखें कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह का है, ठीक है, आप जो लिखते हो उनको और पसंद आएगा, उसके बाद ही वो आपको गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए अलाउ करेंगे। तो इस तरह से आपको करना यह है कि आपको टॉपिक पहले सर्च दे देना है उनको, फिर आपको अपना पोस्ट का भी उनको आर्टिकल का लिंक दे देना है। देने के बाद ये आपको उनको भेजना है। भेजने के बाद जो आप भेज दोगे, तो जिस दिन भेजोगे उस दिन का डेट आप यहाँ मेंशन कर लो। इसी तरह से आप जो है 8-10 को डेली अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप उनका स्टेटस लिखोगे, मतलब कि किनका रिप्लाई आया किनका नहीं आया वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो इससे होगा ये कि आप जब किसी के वेबसाइट पर जाके आर्टिकल सबमिट करोगे, वहां से आपको एक बैकलिंक मिलेगा। तो आप समझ गए कि आपको कैसे सर्च करना है। इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद आप ये जो मोज बार है उससे आपको इसका DAPA पता चल जाएगा। उसके बाद जो आपको ईमेल लिखना है, ईमेल का 3 टेम्पलेट है, आप किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, ठीक है, और इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो इस वेबसाइट का भी यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है गेस्ट पोस्ट के लिए, ठीक है, फिर अगर इस वेबसाइट की, तो लगता है सेम वेबसाइट खुल गया। तो इस वेबसाइट पर देख सकते हो, तो इस वेबसाइट में अगर आप जाते हो थोड़ा सा नीचे, तो इसमें भी इनका टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लो कि ये क्या क्या आप पोस्ट में चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इनका भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप बड़े आसानी से गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट को सर्च कर सकते हो। वेबसाइट सर्च करने के बाद आपको उनको मेल करना है। अगर मेल का रिप्लाई आता है तो उसके बाद आपको उनके लिए एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना है, और इससे आपके वेबसाइट का DA भी इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ आपको एक ट्रैफिक का जरिया मिल जाएगा। क्योंकि अगर उनके वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है और वो आपके आर्टिकल को पढ़ के आपके वेबसाइट पर आते हैं, तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपको वहां से भी मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, बस आज के इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर आपके लिए इस तरह के नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फिलहाल दोस्तों, बस आज के इतना ही। धन्यवाद।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।